ये मैडम इतना सामान लेके जा रही है ना यहाँ पे, यहाँ पे जूतों का बैग है, यहाँ पे खाने का है, यहाँ पे फ्रूट्स हैं, पीछे भरा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, क्या करोगी इतना? हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हमें रात में नहीं, एक्चुअली रात भी बोल सकते हैं, देर रात बोल सकते हैं, या क्या बोलते हैं उसे, अभी कुछ घंटों में हमें गोवा के लिए निकलना है। कर लो ना, वैसे ही बड़ी मुश्किल में साउंड मेरा सेट होता है, तुम ये सब कर लो। निकलना है और सारी पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है और मैं कोशिश कर रहा हूँ आज दोपहर से सोने की, कि मैं सोलूँ, कि मुझे कंटिन्यू 12-14 घंटे ड्राइव करना है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। उस वजह से आज मैं जिम भी नहीं गया हूँ कि शायद मैं सो सकूँ। मैं शाम को नीचे अड्डे पे जाता हूँ, वहाँ भी नहीं गया हूँ कि शायद मेरी नींद आ जाए, लेकिन ऑब्वियसली बात है अभी रूटीन चेंज नहीं हुआ, रूटीन सेम है अभी, इसलिए नींद नहीं आई है। और यहाँ पर हमारी पैकिंग वगैरह ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ये देखो कुछ बैग्स यहाँ पर रखे हुए हैं, ये और ये जनाब यहाँ पे ऐसे सोए हुए हैं क्योंकि इनको एहसास हो गया है कि शायद हम जा रहे हैं। और हमने अपनी पैकिंग करने के बाद कुछ बैग्स हमने ऑलरेडी रखवा दिए हैं कार में, और जब हम पैकिंग कर रहे थे हमने जनाब को नीचे भेज दिया था कि इनको समझ में ना आए, जनाब मतलब हमारे कर्ल, इनको समझ में ना आए कि हम कहीं जाने वाले हैं, लेकिन बड़ा शाना है, समझ गया वो कर्ल, कर्ल ये बेटा इधर, उदास हो गया है वो, लेकिन कोई नहीं, नीचे अम्मी है, सबा है, रिजा है, स्पेशली उसके लिए, उसका ख्याल रखने के लिए। हाँ आ जाओ, कम, हाँ जम, आ जा, जा 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 कम, आज आ गया ये आ गया, हाँ हाँ अच्छा, हाँ हाँ जा रहे हैं बेटा हम, ठीक है हम घूमी जा रहे हैं, तुम नीचे रहोगे अच्छे से, ये देखो इसको ये करना है बस। तो अभी ऑलमोस्ट 12 बज गया, 12:15 हो रहा है, हमें 4 बजे यहाँ से निकलना है, तो मैं कोशिश करूँगा कि 1 घंटे अगर नैप ले सकूँ तो ले लूँ, और अगर नहीं हुआ तो फिर रेडी होके फिर निकलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में रेडी होके। तो अभी हम हो गए हैं रेडी, सब कुछ है, हम बस निकल रहे हैं, और देख लो अभी घर भी कैसा पड़ा हुआ है, बट कोई नहीं, 4 बजे निकलना था, 10 मिनट हम लेट हो गए हैं, बस अभी निकलने चले हैं। और बता दूं मैं आपको, मैं सोया नहीं हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं सोया हूँ, मैं भी नहीं सोई, ऐसे ही ड्राइव करने वाला, तुम तो बैठोगी, मैं ड्राइव करने वाला हूँ, मैं क्या बगल में बैठे बैठे सो जाऊं, तो मैं ऐसे ही ड्राइव करने वाला हूँ, और मेरी बात मत टालो, मैं बगल में बैठे बैठे सो चलेगा, वैसे भी तुम्हें पता तुम सोने वाली हो, तो ये और देखो बेचारा वो भी से उदास होकर बैठ गया है, कडलू चलो अम्मी पास, चलो पानी पी ले, चलो अम्मी पास, चलो आ जाओ अम्मी पास, चलो भाग के आएगा, उसे लग रहा है कि हम भी जा रहे हैं साथ में। चाबी कहाँ है दीपी? मेरे हाथ। हाँ मेरे हाथ, कुछ भूले तो नहीं? चले करे अम्मी पास, हम जा रहे हैं घूमी, चले चलो 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 दीपी आओ, चलो 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 करे चलो चलो चलो। हम लोग अभी रेडी हैं, करल को छोड़ दिया है नीचे, अम्मी पापा सो गए थे, सब से मिल लिए और करल को छोड़ दिया है नीचे, मतलब उदास था, बहुत ज़्यादा उदास था वो। और बस अभी हम जा रहे हैं गोवा, और पहली ड्राइव कैसा लग रहा है? हाँ क्या हम आज देखो न्यू माइक पहने हम लोग, न्यू माइक से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और ये दो भी हैं हमारे साथ में, दिख रहे होंगे आपको, और हमारे तीसरे साथी नहीं आ रहे हैं हमारे साथ, वो हमें सी ऑफ करने के लिए आए हुए हैं, सी ऑफ करने के लिए आए हुए हैं। तो थैंक यू, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह चलो। पहला रोड ट्रिप हम निकल चुके हैं और बस देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, पहला है कहते हैं, पहली चीज़ हमेशा ख़ास होती है बहुत, तो आई होप ये भी बहुत ख़ास हो और ऐसी हो कि इंशाल्लाह हमेशा याद रहे, और इसके बाद हम और सारी ट्रिप्स करें। मुझे लग रही है भूख अभी, एक्चुअली भूख नहीं लग रही है, कुछ खा रहा हूँ ताकि नींद ना आए मुझे, अभी से नींद जैसा लग रहा है ऐसा कुछ। एप्पल खा लो, एप्पल इज अ नेचुरल सोर्स नींद गायब करने के लिए। तू अभी नहीं, अभी मस्त बनाना अच्छा लगा, हर 15-20 मिनट बना ऐसे कुछ चबाता रहूंगा मैं, और ऐसे करते करते कितना कुछ खा लूंगा। इतना लंबा रोड ट्रिप है ना, इसलिए हाँ। हालत है हाँ। नहीं हालत बुरी नहीं, मतलब वैसा नहीं है हाँ। लेकिन वो सोया नहीं ना हाँ। तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में ना बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है की अच्छा मैं सोया नहीं हूँ अभी, और मेरे साथ होता है ऐसा जब भी मैं सोऊ ना, ऐसा होता है, देखो नींद में आशा। ओके खा लो अभी,
अभी हम रुके हैं फूड कोर्ट, क्योंकि एक्चुअली हम यहाँ पे रुकने नहीं वाले थे. हम मैंने सोचा था कि हम पहले पुणे में रुकेंगे, उसके बाद कोल्हापुर, सतारा, उसके बाद गोवा, मतलब तीन या चार स्टॉप. लेकिन मुझे नींद सा थोड़ा लग रहा है, तो मैंने सोचा स्टारबक्स में ब्लैक कॉफ़ी ले लूँ. लेकिन स्टारबक्स बंद है. क्या तुम्हें कैसे? स्टारबक्स बंद है, अभिषेक ने बताया. मैकडी खुला है, वहाँ से ब्लैक कॉफ़ी ले लो. अरे यार ठीक है, मैकडी से ब्लैक कॉफ़ी. तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं. ठीक, तो मैकडी से ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं और फटाक से निकलते हैं. फिर पुणे में कहीं रुकेंगे और फिर कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे. राइट, चलो. मैं ठीक कर रही हूँ. देखो ये मैडम इतना सामान लेके जा रही है ना यहाँ पे. यहाँ पे जूतों का बैग है, यहाँ पे खाने का है, यहाँ पे फ्रूट्स हैं, पीछे भरा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है. क्या करोगी इतना? मैं अकेले का सामान है क्या? मतलब यार ठीक है, अभी क्या बोलूं? मत खाना आप, अभी बैठते. किसने बोला क्या है लाओ? हाँ क्या है तुम्हारे टिफिन में लाओ, फिर क्यों मांगते हो? चलो आ जाओ. तो अभी हम लोगों ने ले ली कॉफ़ी और अब हम जा रहे हैं वापस. अब यहाँ से निकलेंगे और फिर पुणे में कहीं रुकते हैं. चलिए फटाफट. तो हमने कर लिया है लोनावला क्रॉस. अभी हम हैं टुवर्ड्स पुणे और हम ऑन टाइम चल रहे हैं. एक्चुअली अच्छे से ड्राइव किया है, अच्छे से, मतलब नींद भी भाग चुकी है. अभी ब्लैक कॉफी पी ली है और मैडम को नींद आ रही लगता है, इसलिए मैडम चुपचाप बैठी हुई है. अभी मुझे कोई नींद नहीं आ रही. क्या फिर? मैं गुड गर्ल की तरह चुपचाप बैठी हूँ. बदनाम करते हो. अरे ड्राइवर को एंटरटेन करो थोड़ा सा. एंटरटेन क्या, मैं नाचूं यहाँ पे? रोड ट्रिप करनी ऐसे शांत बन के बैठी है ना. हाँ तो अभी आई थिंक मुझे लग रहा है भूख लग रही है. मुझे ऐसा लग रहा है. नहीं मुझे भूख नहीं लगी. फिर ऐसे ही मैं एंजॉय कर रही हूँ, अच्छा गाना सुन रही हूँ, अच्छे ये देख रही हूँ, और आप शूट कर करके बीच बीच में गाना बंद कर रहे हो. हम पहुंच चुके हैं पुणे. एक्चुअली पुणे क्रॉस कर चुके हैं हम लोग. पुणे क्रॉस कर रहे हैं हम. मैं वड़ा पाव खाऊंगी. हाँ तो हम रुके उसलिए खाने के लिए. नहीं मतलब हम घर का जो लेके आए. एक्चुअली मैडम घर से हमेशा जो लेके आती है बहुत लेके आई है. ऑमलेट है, ऑमलेट ब्रेड है, चाय है. तो यहाँ पे ब्रेड ओहो ब्रेड बटर जैम भी है. तो हम वो कुछ खा लेते हैं और तो कुछ है नहीं यहाँ पे इसके अलावा. ठीक है कुछ. अरे वो पीछे है ना वड़ा पाव. हाँ तो वो खा के निकलते हैं वड़ा पाव. मुझे कर दिया ऐसा पता. मैंने कुछ नहीं किया. मैं इतने गाने बजा रही हूँ सबके सब ऐसे सुन बैठे हुए ना. मैं गाने बजा रही हूँ. पहले कुछ खाते. चलो यार मौसम बड़ा कमाल है यार सच में. ये ना खाने का. तुम यहाँ पे इंडक्शन खुलवा रहे हो मेरा. मैं यहाँ चाय नहीं बना के दे सकती आपको. तो कौन सा खाने का? ये. अच्छा ये बॉक्सिंग में खाने के. हाँ. ओके. बस बंद करो. लाके देती हूँ चाय, सर्व करके दो. कहाँ चाय? रखो इधर. ये नहीं खा रहे क्या यार? रोड ट्रैवल का ना यही तो मजा है यार. ऐसे में रास्ते में रुक के बोनट पे खाना रख के आए हाय हाय. चलो अभी हम खाते हैं और फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं. अभी चले. हाँ सो हमने अच्छे से खा लिया है और जो मैं घर से बना के लाई थी वो ही खाया है. कोई बड़ी कुड़कुड़ कर रहा था. टिप्पी आज मुझे ये ना वेस्ट लग रहा है. हम सिर्फ इतने ही लोग हैं, क्यों बनाया तुमने? कोई बड़े नखरे कर रहा था, फिर खाया क्यों भाई? अभी हम निकलेंगे यहाँ से और बोलो. नहीं बात नहीं डालनी. फिर खाया क्यों भाई? इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टॉप हमारा बोलो खाया क्यों. ठीक है सतारा होगा हमारा नेक्स्ट स्टॉप. अरे अरे नहीं 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 चलो 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 दुष्ट. रोड कितना प्यारा है ना. एक आई थिंक एक बार हम लोग आए थे जब नशबलिए के बाद से. लेकिन वो वापस आते वक्त. हाँ वो भी किस वजह से आए थे? क्योंकि जाते वक्त मेरी फ्लाइट का जो हाल हुआ था ना, आई मीन बारिश थी और टर्बुलेंस बहुत ज्यादा था. और इतना ज्यादा टर्बुलेंस था कि मैंने डिसाइड कर लिया था दीपी से पहले ही. बोलते दीपी लौटते वक्त बारिश में मैं नहीं जा रहा हूँ फ्लाइट से, मैं बाय रोड ही जाऊंगा. ये वेदर भी अलग है ना. हम लोग उस वक्त बहुत अलग वेदर में गए थे. उस टाइम प्रॉपर बारिश. हाँ
तो ये बहुत ही अलग बेहतर है। एंड मुझे तो रोड ट्रिप्स बहुत पसंद है, पापा बहुत शौकीन रहे हैं ड्राइविंग के। एंड हमने पुणे टू दिल्ली वैसे जैन फेब के महीने में किया था, जब वो सरसों के खेतों पे वो पीला पीला पूरा फ्लावर होता है, तो आहा हा उसका मजा ही कुछ और था। हम ड्राइव कर रहे हैं और वहाँ अभिषेक अपने पता नहीं क्या कर रहे हैं, और ये मैडम यहाँ पे अपना व्लॉग एडिट कर रही है। अरे तो मेरा इतना इम्पोर्टेंट व्लॉग है, अब तक आप लोग देख चुके होंगे ना सारी के लुक्स, आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगे। देखो जाने दो, अच्छा व्लॉग है यार, इसलिए अच्छे से एडिट कर रही हूँ, मुझे आज डालना है। हाँ जी बोलिए। कुछ नहीं, हमने कहा हम बता दें अपने लोगों को, हम सेकंड स्टॉप पे हम रुके थे, मैडम को वॉशरूम जाना था और ये यहाँ पे था, थोड़ा सा क्लीन था। क्या है ये? चम होटल, होटल प्रीति, प्रीति ना? हाँ हाँ, होटल प्रीति। तो यहाँ पे मैम वॉशरूम गई, अब आगे कहीं रुकेंगे हम। हाँ मतलब जितना हो सके उतना हम ट्रैवल कवर कर लेते हैं ताकि रात में वहाँ पे घाट ना मिले। तो अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 5 आवर्स की जर्नी तय कर ली है, हम 4:30 निकले थे, 10 बज गया है और अभी यहाँ से 6:36 और बता रहा है, 6:36 मिनट गोवा। तो आई थिंक 2 घंटे के बाद हम कहीं रुकेंगे, हॉल्ट, खाना वाना खाएंगे, लंच करेंगे, उसके बाद सीधे डायरेक्ट गोवा, या फिर वो घाट क्रॉस करके फिर आगे कहीं रुक जाएंगे। हाँ, अगर चाय वाय के लिए रुकना हो। हाँ तो चलिए, कुछ पनीर वनीर वेज वगैरह कुछ खाते हैं अच्छे से। चलो चलते हैं, शकल पे थकान दिख रही होगी ना? तुम काहे कर रही हो? मतलब मैं भी नहीं सोई रात भर, बैठे बैठे थकी हो तुम। आप खाओ, मैं सो जाती हूँ, जब खाना हो जाएगा मुझे उठा सी। लेकिन पता है जो भी कहो, ऐसे ये हाईवे पे ऐसे होटल्स में ना वो पनीर बटर मसाला और रोटी खाने का मजा ही कुछ और। एक्चुअली वो ऑथेंटिक ढाबे जैसा हम लोग जब पहले ट्रेवल किया करते थे बसेस में, चारपाई में बिछा के वो जब गाने बजते हुए मजा जाया करते थे वहाँ पे, तो वो नहीं मिलता अभी, बट ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ से हमारी बची है 3 घंटे की 3.5 घंटे की जर्नी, उसके बाद होटल, और होटल जाने के बाद, और इसके बाद या तो अभिषेक या अंकित आगे आके बैठने वाले हैं और मैं पीछे जाके एक मस्त आधे घंटे की नैप लेने वाली हूँ। नेतागिरी मत करो तुम, समझे ना? नेतागिरी कहाँ कर रही हूँ, ये हमारी यूपी का स्लैंग है ये, नेतागिरी मत करा। बोलते हैं अच्छा हुआ बता दिया, अब इन पे ये चिपकाया जाएगा, मतलब शाना ना बनो वो वाली बात होती है, नेतागिरी नहीं है, चुपचाप से चलो। ये देखो, ये मैडम ने स्पेशली अपने लिए रोटी जलवा के मंगाई है, क्योंकि उनको ऐसी जली हुई रोटी अच्छी लगती है। क्यों? मुझे बहुत पसंद है, हमेशा से मुझे जब मैं तंदूरी रोटी खाती हूँ तो मैं चुन के अपने लिए वही निकालती हूँ जो जिसमें ज़्यादा काला काला हो। काला काला हो तो ये देखो फुल काला काला है, खाना चल रहा है सबका। तो लंच हो गया है और अब मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ, आखिरी 3 घंटे की जर्नी, फिर इंशाल्लाह गोवा, फिर वहाँ पे मस्ती। यस, चश्मा वश्मा लगा के बिल्कुल अंदर बैठी हुई है। चलो चलते हैं। हेलो बोलो। हेलो, हाय बोलो। हाय। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, नहीं अभी एक्चुअली पहुंचे नहीं है, अभी भी कुछ 50-60 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये घाट पूरा है, वन वे है, दोनों तरफ से गाड़ियां, एक ही तरफ से गाड़ियां आती जाती हैं, यहाँ पे खाई है तो यहाँ बहुत संभल के ड्राइव करनी पड़ती है। तो आप भी अगर कभी भी रोड से ट्रेवल करें तो ध्यान रहे कि इस घाट पे, इस पैच पे बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल होके यहाँ पे ड्राइव करें, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। खूबसूरत बहुत है, बस अब ये घाट क्रॉस होगा उसके बाद अराउंड 40-50 किलोमीटर्स, 1.5 घंटा मैक्स हम पहुँच जाएंगे।
तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और मुझे रेस्टोरेंट बोल रही हूँ मैं, मुझे रिसोर्ट बहुत खूबसूरत लगा। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, और सारी फॉर्मेलिटीज जो हैं वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। अब जाके अपना रूम देखेंगे और आपको भी रूम दिखाएंगे और उसके बाद देखते हैं फिर क्या करते हैं। तो लेकिन मैंने 13 घंटे की जर्नी ड्राइविंग एक्चुअली मैंने पूरी की है बिना किसी रुकावट, राइट? यस, नॉनस्टॉप। बहुत अच्छी ड्राइविंग, नॉनस्टॉप 13 आवर्स ड्राइव किया है। और हाँ, थकान है लेकिन शायद रूम देख के व्यू देख के कुछ थकान उतर जाए और फिर हम एडिट करने बैठेंगे ब्लॉग। तो ये है रूम जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। यहाँ पे ये कबर्ड सेक्शन है, डिसेंट अमाउंट है, वैसे भी मैं तो यूज़ करता नहीं, मैं बैग में भर देता हूँ। ये है वॉशरूम, ये गोवा, ये वॉशरूम और ये मिरर, और मिरर में अरे बाप रे। एंड ये है रूम। बेस्ट पार्ट है इस रूम का वो है ये बीच व्यू बालकनी, और वो भी दोनों तरफ, और वो भी दोनों तरफ। ये देखिए, ज़्यादा पास से अभी नहीं दिख रहा होगा, बाद में दिखाएंगे। सुबह की चाय की जगह, सुबह की चाय की जगह पहुँचे हम लोग रूम में, अभी आए। ठीक है कटल, नाटक तो नहीं कर रहा क्या? ठीक है। अम्मी नमाज पढ़ने गई हैं और पापा लेते हैं। पापा क्या हुआ, ठीक रहा सब? करा दिया था एक्सरसाइज उन्होंने। करा दी थी? देखो तुम्हें एक चीज दिखाएं, अम्मी ने पढ़ ली नमाज। ठीक है, थोड़ी देर से करना। और ठीक है, कल ने परेशान तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, खा लिया था सुबह भी। खा लिया था? ठीक है, फिर करता हूँ मैं। ठीक है, अभी भी खा रहा है। हाँ हाँ, ये देखो अभी भी कल खाना खा रहा है, खुशी। चलो कम से कम खाना खा लिया उसने। रेहान ये वेट कर रहा है कि आपका व्लॉग कब आएगा, तो ये गोवा घूमेगा। तो मैं फ्रेशन अप हो गया हूँ, मैंने नहाया नहीं, अभी नहाऊंगा मैं इकट्ठा फाइनली रात में, क्योंकि मुझे वापस से एनर्जी गेन करके अपना व्लॉग एडिट करना है और उसको फिर पोस्ट भी करना है की बात है, पोस्ट करना है, अपलोड करना है की बात है। और फिर अभी देखो, अभी फिलहाल आपने तो अपना रूटीन बता दिया, अब मुझे अपना व्लॉग स्टार्ट करना है। हाँ मतलब अभी सच में इतना ना कि मैं यहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ, ये ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, अभी यहाँ पहुँचे हैं तो ये शूट खत्म होगा, ये लास्ट एंडिंग है इस पार्ट की। जब आप लोग अच्छी अच्छी चीज़ें बोलते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी मैं देख रही थी तो किसी ने मेरे ब्लॉग में कमेंट किया है कि गोवा पहुँचते ही ब्लॉग अपलोड कर दिया, ये है हार्ड वर्किंग यूट्यूबर की निशानी। सो आप ऐसी चीज़ें बोलते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। हालांकि ब्लॉग मैंने ऑन द वे ही अपलोड किया था क्योंकि मैं चाहती थी कि वो जल्द से जल्द अपलोड हो जाए। तो अभी हाँ, तो अभी ये ब्लॉग खत्म होगा, इसको एडिट करूंगा और फिर कल से गोवा घूमना शुरू, एक्सप्लोर करना शुरू। मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ स्कूटी राइड के लिए। हाँ मैं भी चलाऊंगी, हम यहाँ से मैं भी चलाऊंगी, आप लोग प्लीज बोलो मुझे चलाने दे। हम यहाँ से स्कूटी हायर करने वाले हैं, एक दिन स्कूटी और एक दिन जीप, और एक दिन कुछ अच्छी बाइक मिली, लाइक हार्ले वाले तो ऐसा समथिंग ऐसा कुछ, तो कल से शुरू करेंगे। और ऐसे कवर अप क्या कर रहे हो, कोई अच्छी बाइक मिली तो घर से डिसाइड करके एक दिन मैं हार्ले लूंगा, एक दिन मैं हार्ले लूंगा, तो इतना बनावटी है। पोल खुल गई, पोल खुल गई, लड़के की पोल खुल गई। अगेन ये सब कट करने वाला हूं। ए नो, मेरी कसम मैं कट नहीं करना। तो ये था आज का वीडियो, घर से लेके यहाँ तक का। अभी ज़्यादा हिम्मत नहीं है, सच में ज़्यादा हिम्मत नहीं है, तो अभी सिर्फ सबसे पहले अभी क्या टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम क्या हो रहा है, 6:42। तो अभी बस ये चाय पी के मैं बैठूँगा अंकित के साथ इसको एडिट करने के लिए, उसके बाद जो मैं सोऊँगा ना कोई नहीं उठा सकता मुझे, कोई नहीं। आप लोग ना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इनको बोलो कि ये काम करें, हम लोग काम करें, डेफिनेटली हमारा ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हमें अच्छे ब्लॉग्स बनाने हैं, लेकिन ये सो नहीं रहे हैं तो इनको डांट लगाओ आप लोग कि सोना बहुत ज़रूरी है, सोएंगे नहीं, एनर्जी रीगेन नहीं करेंगे तो ये अच्छे से वो आपको दिखा नहीं पाएंगे। सो जाऊँगा ना, पहले एडिट करके फिर सो जाऊँगा। डन, ठीक है। तो ये था आज का पहला ब्लॉग घर से लेके गोवा तक, एक्सप्लोर करना कल से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए,
कमेंट्स तो आप करते हैं, और हम सबके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा पे फॉलो कीजिए, ट्विटर पे फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बस इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, गोवा के नए ब्लॉग के साथ। देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं हम फंसे, तो आप बने रहिए और खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, प्यार बांटिए। अल्लाह हाफिज़, और जो मर्ज़ी है वो करिए।